बसमिलकुम डर स्टूडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यही हमारा टॉपिक है इसका पहला हिस्सा जो इंट्रोडक्टरी हिस्सा था वो हमने डिस्कस किया है और आज हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस डिस्कशन में हमारा मेन फोकस रहेगा तीन टर्म्स के ऊपर आर्म्स रेस आर्म्स कंट्रोल और डिसार्मेंट डियर स्टूडेंट्स पहले हिस्से में हमने ये देखा कि सिक्योरिटी के दो बड़े और बुनियादी एरियाज़ होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी हर मुल्क को दो किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना होता है दाखिली सिक्योरिटी और खारजी सिक्योरिटी तो चूँकि यहाँ हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से बात करनी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के भी दो अहम कंसर्न्स होते हैं ट्रेडिशनल कंसर्न्स और नॉन ट्रेडिशनल कंसर्न्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली इंप्लाई होती है मिलिट्री थ्रेट पर यानी इंटरनेशनल सेटिंग में हर मुल्क हर कंट्री दूसरी कंट्री के लिए एक मिलिट्री थ्रेट होता है और इसी कॉन्सिड्रेशन के तहत हर मुल्क अपनी अपनी आर्मामेंट कैपेबिलिटीज को और मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि उस पर हमला ना हो यानी उसकी मिलिट्री और उस उसकी आमोमेंट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि दूसरा मुल्क उस पर हमला करने से पहले सोचे और अब अगर हमला हो भी जाए अब अगर उस पर उसे किसी जंगी सिचुएशन में उतरना भी पड़े तो वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में हो तो बहरहाल इस लेवल तक ये मामला ठीक है लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब कुछ ममालिक में ज़्यादातर ताकतवर ममालिक हैं है, जो हद से ज़्यादा ख़तरनाक और क्वांटिटी में भी हद से ज़्यादा वेपन्स बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि छोटे और कमज़ोर देशों पर उनका एक थ्रेट परसेप्शन बना रहे और उनकी सुपीरियरिटी बनी रहे बल्कि ये भी कि वो देश बाकी देश कमज़ोर देश भी आर्म्स ख़रीदने पे मजबूर हो जाए और ताकतवर देशों की आर्म्स इंडस्ट्री चलती रहे और इस तरह से आमज रेस जन्म लेती है आमज रेस पैदा हो जाती है यानी कि एक ऐसी सूरत हाल पहले पैदा की जाती है जिसमें कुछ नेशंस को कुछ मुल्कों को इनसेवर फील कराया जाता है ताकि उसी फीलिंग ऑफ़ इंसिक्योरिटी के तहत वो भी मजबूर हो जाए कि वो आमज़ रेस के मेंबर बन जाएं, वो भी आमज रेस में कूद पढ़ें and in contemporary world arms race is one of the biggest problems of the world for last several decades our world especially the advanced industrial nations are in possession of huge quantities of deadly and devastating weapons of different sorts of different kinds the production of armaments in contemporary times has assumed a highly dangerous situation in which the mankind today finds itself sitting on the heap of such armaments which can totally destroy every idea of life on this planet the armament race particularly the nuclear arms race and existence of very large stockpile of weapons of mass destruction, wmds, and nuclear weapons has assumed such an alarming proportion that a mad situation, or you may call it mad, mad situation has come to develop, mad, mutually assured destruction. हथियार जमा करने और हथियार बनाने की इस दौड़ ने इस दुनिया को एक बहुत ही ख़तरनाक जगह बना के रखा है दूसरों को पीछे छोड़कर ख़ुद आगे रहने के इस चक्कर में इस रेस में रिसोर्स तबाह हो रहे हैं जो रिसोर्स डेवलपमेंट पे ख़र्च होने चाहिए थे वो डिस्ट्रक्शन पे ख़र्च हो रहे हैं तो बहरहाल अब हर कोई इस समस्या को और इस समस्या की गंभीरता को इसकी इम्पॉटेंस को रियलाइज़ कर रहा है और फिर से इस दुनिया को अमन वाली जगह बनाने पे ज़ोर दिया जा रहा है यानी इस दुनिया को एक बार फिर डीवेपनाइज करके ऐसी जगह बनाई जाए जो अमन वाली जगह हो और जो तरक्की वाली जगह हो और इसी हवाले से आर्म्स कंट्रोल और डिसआमामेंट जैसे सॉल्यूशंस पे न सिर्फ़ बात हो रही है बल्कि नहाय ही संजीदगी के साथ काम भी हो रहा है बल्कि बहुत सारे कंक्रीट स्टेप्स उठाए गए हैं इस दिशा में हाँ अलबा अभी दुनिया को और ज़्यादा सीरियसली और और ज़्यादा सिंसियरली इस इस दिशा में काम करना होगा तभी एक वेपन फ्री पीसफुल वर्ल्ड का जो सपना है जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसआमेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एडवोकेट द डिस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ आर्मामेंट्स एज द मीन्स फॉर एंडिंग दिस डेंजरस सिचुएशन situation of arms race. It advocates that by eliminating or regulating the instruments of war, the chances of peace against destruction or peace against war and order against anarchy can be considerably strengthened. Ynekke yani disarmament or arms control, ka मिला जुला मकसद ये है अगर ची इन दो टर्म्स में तफ़ावत भी है फ़र्क भी है वो आगे हम इनशा डिस्कस करेंगे अभी लेकिन ये एक ही फेनामेना के साथ डील करते हैं इन दोनों का साझा मकसद यही है कि अल्टीमेटली दुनिया एनार्की से निकले तबाही से निकले और दुनिया में पीस और Order kaim rahe. Dear students, <coughs> so far as the meaning of disarmament is concerned, it is indeed quite difficult to precisely explain the meaning of disarmament, meaning of this term. In actual practice, it has come to mean everything from total elimination of all the weapons. To the regulation or control of only some kind of weapons. Some kind of weapons, here I mean to say offensive and totally destructive weapons. The concept has come to develop several dimensions and interpretations. Before uh, attempting to define disarmament, it is uh, essential to understand. द मीनिंग ऑफ सिवरल टर्म्स विच स्टैंड एसोशिएट विद डिसमामेंट बेहतर यह रहेगा कि हम डिसामेंट की डेफिनीशन समझने से पहले उन टर्म्स को समझें जो डिसआमेंट के साथ एसोशिएटिड हैं जो इसके साथ मुलहिक हैं जो इस्तेमाल होती रहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल डिसामेंट जनरल डिसआमामेंट मीनज़ a kind of disarmament in which all the nations participate local disarmament means disarmament by limited number of nations quantitative disarmament stands for an overall reduction or reduction of armaments of most or all types most or all types Qualitative disarmament envisages the reduction or abolition of only special types of armaments, aggressive weapons, I mean to say. Conventional disarmament refers to the elimination or reduction of conventional weapons. Nuclear disarmament advocates the liquidation of nuclear weapons. Comprehensive and general disarmament means destruction, reduction of armaments of all types by all the nations. Listen again. Comprehensive and general disarmament means destruction, reduction of armaments of all types by all the nations. This comes very near to what some scholars call. टोटल डिसार्मामेंट टोटल डिसार्मामेंट इम्प्लाइज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर इन विच ऑल इन विच ऑल ह्यूमन एंड मटीरियल इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़ ऑफ वारफेयर विल बी एबॉलिश देर विल भी नो वेपन ऑफ एनी काइंड वट सो एवर इस स्टेटमेंट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझाएँ तो डिसार्मेंट का मतलब ये है कि जंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जंग में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ चाहे वो वेपन हो कन्वेंशनल वेपनस हो, न्यूक्लियर वेपनस हो, मिलिट्री इक्विपमेंट हो मिलिट्री हो मिलिट्री बेसिस हो, बल्कि मिलिट्री रिलेटेड बजट्स हो, यानी हर कोई चीज़ उसको लिमिट करना उसको रेगुलेट करना यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए एज़ पर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स या हथियारों की क्वांटिटी को कम करना रिड्यूस करना उनकी क्वालिटी को रिड्यूस करना और होते होते अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों को एबॉलिश करना एलिमिनेट करना बिल्कुल ख़त्म करना ये है डिसार्मामेंट हंस जे मार्गन था डिफाइनज डिस एज द रिडक्शन और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ सर्टन आर्मामेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ एंडिंग द आर्मामेंट रेस वो भी यही कह रहा है कि डिसहारमामेंट का मतलब है चंद हथियारों को या किसी खास किस्म के हथियार से लेकर हर किस्म के हथियार को रिड्यूस करना और फिर अल्टीमेटली उसे टोटली totally ख़त्म करना यही है असल डिस आर्मामेंट का मतलब भी यही है तो वी कैन से इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस डिसमामेंट रिक्वायर्स द ग्लोबल डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स एंड द डिस Establishment of all armoured forces. It rests upon the ideology if you want peace and order in international relations, eliminate and limit the instrumentalities, armaments of warfare. It thus rejects the view if you want peace, be prepared for war. I nazriya. Ye tha, ki agar तो जंग के लिए तैयार रहे यानी कि जंग या जंग जैसी सूरत हाल अमन पैदा करती है लेकिन डिसआर्मामेंट जो है डिसार्मामेंट इस व्यू को इस नज़रिए को रद्द करता है और यह कहता है कि नहीं जंग अमन के लिए कोई ज़मानत नहीं हो सकता है बल्कि जंग को ख़त्म करना और जंग के असबाब को खत्म करना ही असल में अमन की ज़मानत है Now, coming to arms control, dear students, it is pertinent to mention here that arms control is a condition of disarmament, just as disarmament is a necessity of arms control. Moreover, the basic objectives of disarmament and arms control are identical to prevent, limit, or reduce the probability of. दी वार इन इंटरनेशनल सोसाइटी दोनों का मक़द सेम है अलबत् कुछ फर्क है दो में इनकी पॉलिसीज़ में डिसमामेंट टोटल एबोल्यूशन चाहती है ऐट द एंड जबकि आर्म्स कंट्रोल जो है वो आर्मामेंट को या जंग को ख़त्म तो नहीं करती है अलबतः कंट्रोल करती है उसे

अबतः उसे रेगुलेट करती है कि विदिन परमिजिबल लिमिट्स उसे कंटिन्यू किया जा सकता है लेकिन चेक किया जाता है कि उस बियॉन्ड लिमिट वो न जाए सिमिलरली आर्म्स कंट्रोल रेफर्स टू एन एग्रीड एंड डिज़ायर्ड रेगुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन यूज़ ऑफ आर्मामेंट्स where disarmament means a plan or a system for limitation, reduction or abolition of armed forces, including their arms, equipment, bases and budgets. On the other hand, arms control refers to a multilateral, cooperative approach to armament to policy, where an armament policy includes amount and kind of weapons, forces, डिप्लमेंट एंड यूटिलाइजेशन इन पीरियडस ऑफ रिलेक्जेशन और टेंशन इट एम्स एट इम्प्रूग सिक्योरिटी बाई एडजस्टमेंट ऑफ आमामेंट कैपिलिटीज यानी आमज कंट्रोल जंग को और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को ख़त्म तो नहीं करती है अलबत उन्हें इस्तेमाल और डिप्लॉय करने की सही पॉलिसी वज़ा करती है तो ये बताना ज़रूरी है कि दोनों डिवाइस जो हैं बहुत ही ज़रूरी भी हैं और एक दूसरे के साथ इनका एक रिलेशन भी है हाँ ये कहा जा सकता है कि वन डिवाइस इज़ विद इज़ हैविंग शॉर्ट टर्म गोल्स एंड अनदर वन इज़ हैविंग लॉन्ग टर्म गोल्स लेकिन दोनों के इस्तेमाल से ही आमज़रेस रेस को खत्म किया जा सकता है और दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है शुक्रिया